हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और मेरे टेक्निकल के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स आप कैसे किसी के भी मोबाइल नंबर से उसके एड्रेस का कैसे पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी पर्सन का, अगर आपको अपने फ्रेंड का एड्रेस पता करना है और आपको केवल उसका उसके मोबाइल नंबर से उसका एड्रेस पता लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। के फ्रेंड्स, आप कैसे पता कर सकते हैं किसी के भी मोबाइल नंबर से उसका एड्रेस। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर देने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सर्च, आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है पीएम किसान ऐप। आपको पीएम किसान ऐप को सर्च कर लेना है और फ्रेंड्स आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड्स, आप इस वाले ऐप का आइकन देख लें, आपको इसी वाले ऐप को इंस्टॉल करना है। इस वाले ऐप का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप इस ऐप की मदद से कैसे किसी के भी नंबर से एड्रेस का पता लगा सकते हैं, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। करते हैं इस ऐप को ओपन। ऐप को ओपन कर देने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इनेबल जीपीएस। आप इसकी लोकेशन को ऑन कर लें। जैसे फ्रेंड्स मैं इसकी लोकेशन को ऑन कर लेता हूँ, देख सकते हैं मैंने इसको ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है लिखा हुआ है लाभार्थी की स्थिति, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स अब आपको किसी के भी नंबर से आप उसका एड्रेस पता लगाना चाहते हैं। अगर फ्रेंड्स आप उस पर्सन की, अगर आप अपने किसी भी दोस्त का आधार कार्ड की संख्या पता है तो आप अपने आधार कार्ड की यहाँ पे संख्या डाल दें। अगर आपको उसका आधार कार्ड का नंबर नहीं पता है तो आपको ऊपर आधार कार्ड पर क्लिक करना है। और अगर फ्रेंड्स आप उसके तीन तरीक़ों से उसके एड्रेस का पता लगा सकते हैं। पहला तरीका है आधार नंबर, दूसरा है खाता संख्या और तीसरा है मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स आपको तो केवल उसका मोबाइल नंबर ही पता है, तो आपको करना क्या है, आपको मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे फ्रेंड्स मैं उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद नीचे लिखा है गेट एक्टिविटीज़ इंस्टॉलमेंट, आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट इंस्टॉलमेंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स मैं 6 कर लेता हूँ। 6 सेलेक्ट कर देने के बाद नीचे लिखा हुआ है विवरण प्राप्त करें, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं। देख सकते हैं आपने जिस पर्सन का मोबाइल नंबर डाला है उसका नाम ऊपर लिख के आ गया है, वो किस राज्य में रहता है राज्य भी आ गया, उसका ज़िला आ गया, उसके गाँव का नाम आ गया है, पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे आ गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी पंजीकरण की तारीख, देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी प्रोसेसिंग, यहाँ पे उसका नाम एड्रेस सब कुछ आ गया है। फ्रेंड्स आप ऐसे ही उसके मोबाइल नंबर से, केवल उसके मोबाइल नंबर से आप उसका एड्रेस का पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स,